राधे राधे कृष्ण भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी लोग लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये देखिए, मेरे कृष्णा जी सो रहे हैं और मैं आज उन्हें हाथ की ताली बजाकर उठा रही हूँ। कभी मैं, आप जानते हैं, कभी मैं उन्हें घंटी बजाकर उठाती हूँ तो कभी ताली बजाकर उठाती हूँ। आप चाहें तो भजन सुनाकर भी अपने लड्डू गोपाल जी को उठा सकते हैं। तो ये देखिए, आज की जो वीडियो है, आज हम अपने लड्डू गोपाल जी का जो है स्नान श्रृंगार आरती भोग यही सब दिखाएंगे। और आज की वीडियो में मैं अपने लड्डू गोपाल जी के साथ, मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है, आज की वीडियो में अपने लड्डू गोपाल जी के साथ मैं भी आई हूँ। और जैसा कि मैंने शायद आपको बताया नहीं, मेरे को वीडियो के सामने आने में थोड़ा सा जो है हेजिटेशन होता है, तो मैं आज फर्स्ट टाइम वीडियो में थोड़ा सा मैं आई हूँ लड्डू गोपाल जी के साथ। तो देखिए, मैंने लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह उठा दिया है और अब मैं उन्हें पानी पिला दूँगी और फिर मैं उनको जो है उनकी मालिश करूँगी स्नान कराने से पहले। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, मैं स्नान कराने से पहले अपने लड्डू गोपाल जी को मालिश करती हूँ। और अगर आप सभी के पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो, लड्डू गोपाल जी के लिए समय हो, तो आप स्नान कराने से पहले उनकी मालिश ज़रूर कराया कीजिए। और आज की वीडियो में मैं आप सभी को, कई लोग सवाल पूछते हैं, कई लोग अच्छे कमेंट करते हैं, कई लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, तो मैं आज उन सभी सवालों के जो है जवाब भी दूंगी। कई लोग बोलते हैं कि आपने जो है नहलाने से पहले ही, उनको स्नान कराने से पहले ही दूध पिला दिया, बाद में क्या पिलाओगी। तो देखिए, अब आपके घर में छोटा बच्चा होता है, आप उसकी मालिश कर दोगे और फिर मालिश करने के तुरंत बाद तो आप उससे नहलाओगे नहीं ना, थोड़ी देर बॉडी पर उसके तेल वगैरह लगा रहने देते हो, तो तब तक बच्चा भूखा नहीं रहता है, वो रोने लग जाता है, एक भूख लगी है, तो आप उसको दूध पिलाते हो। ऐसे ही हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी दूध पिला देते हैं, ताकि इतनी देर तक वो सुबह से उठे हुए हैं, उनको इतनी देर तक भूखा नहीं रखेंगे, क्योंकि वो भी बाल रूप में ही होते हैं। हम जैसे बच्चे की सेवा करते हैं, बच्चे का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल जी का भी ध्यान रखना है। हमें जो है मन में उनके लिए बच्चे के जैसे, अपना बिल्कुल बच्चे के जैसा भाव रखना है, उनको बच्चे की तरह ही प्यार करना है। तो देखिए, मैंने अब उनको सुबह उठाने के बाद सबसे पहले मैंने उन्हें जल पिला दिया है, पानी पिला दिया है, उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश करती हूँ और मालिश करने के बाद मैं उन्हें सबसे पहले दूध पिला दूँगी। दूध पिलाने के बाद फिर मैं उनका स्नान कराती हूँ। तो देखिए, अभी मेरे लड्डू गोपाल जी की मालिश चल रही है, तो मालिश जो है मैं देसी घी से करती हूँ और अब मैं इनकी मालिश अच्छे से उनके पूरे शरीर पर, मालिश घी से पूरे शरीर पर अच्छे से रगड़ रगड़ के मैं उनकी मालिश कर दूँगी। और उसके बाद देखिए, मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, हमें ट्रेन से बाहर जाना है, और हम अपने लड्डू गोपाल जी को क्या घर पर छोड़कर जा सकते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को, कई लोगों का सवाल होता है कि लड्डू गोपाल जी को घर पर छोड़ कर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाएँ तो कैसे जाएँ। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को जब आप कहीं बाहर जाते हैं, कई बार तो आप बाहर ले जाते हैं तो कोई चिंता वाली बात बिल्कुल भी होती नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पर उनका ध्यान रखते रहते हैं। लेकिन कई बार उन्हें अपने साथ बाहर ले जाना संभव नहीं होता है, क्योंकि हम किसी ऐसी जगह पर जा रहे होते हैं जहाँ हम लड्डू गोपाल जी का ध्यान नहीं रख सकते। तो हम ऐसी स्थिति में अपने लड्डू गोपाल जी को घर पर भी छोड़ कर जा सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी के लिए आप जितने दिन के लिए भी जा रहे हैं, एक दिन, दो दिन, चार दिन, तो उतने दिन के लिए आप लड्डू गोपाल जी के लिए भोग जो है एक डब्बे में रखकर, स्टील का या कांच का, जो भी आपको डब्बा आपके पास हो, बर्तन हो, तो उसमें आप अपने लड्डू गोपाल जी का जितने दिन के लिए भी जा रहे हैं उतने दिन के लिए भोग आप उस डब्बे में रखकर जाइए। और एक छोटी सी मटकी या किसी भी बर्तन में अपने लड्डू गोपाल जी के लिए थोड़ा सा जल भरकर रख के जाइए, ताकि उन्हें भूख लगे तो वो भोग भी खा लें और प्यास लगे तो वो पानी भी पी लें। और जिस दिन आप घर से निकलें, तो आप लड्डू गोपाल जी की जैसे नॉर्मल पूजा करते हैं वैसे ही नॉर्मल पूजा करके जाइए, उन्हें उस दिन स्नान ज़रूर करा के जाइए, क्योंकि आप बीच में जब आप घर से बाहर जाएंगे तो आप स्नान नहीं करवा पाएंगे। तो जिस दिन आप जाएं उस दिन स्नान ज़रूर करवा के जाएं और वापस आते समय भी उन्हें स्नान ज़रूर कराएं। तो स्नान करा के उनकी नॉर्मल जैसे आप डेली पूजा करते हो वो करके, और उनके लिए एक्स्ट्रा भोग रख कर जाएं जितने भी दिन के लिए आप जा रहे हैं, और तुलसी जो है उनके पास थोड़ा सा तुलसी रख कर जाएँ, भोग में भी तुलसी रख कर जाएँ भोग के डब्बे में, और पानी में भी उनके तुलसा जी का पत्ता आप डाल कर जाएँ, और लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करके जाएँ कि वो घर का ध्यान रखें, हम थोड़े दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, आपको साथ में नहीं ले जाना संभव नहीं है,
तो आप लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करके जाएं, और जब भी आप घर से बाहर जाकर जाएं लड्डू गोपाल जी को छोड़कर, तो आप जब भी घर से बाहर जाते हैं और आप खुद खाना खाते हैं तो मन में भगवान जी का चिंतन करते रहें और लड्डू गोपाल जी को मन में ही बोलें कि आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिएगा, हम वहाँ पर नहीं हैं, हम अभी आपको भोग नहीं लगा सकते, आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मन में लड्डू गोपाल जी का चिंतन करिए। लड्डू गोपाल जी सिर्फ भाव के भूखे होते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए होता है। आप सिर्फ मन में चिंतन करके उनकी पूजा अर्चना दूर से भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लड्डू गोपाल जी को आप घर पर छोड़ कर जा सकते हैं। तो अब ये देखिए, इसके बाद हमने अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश कर दिया, उन्हें दूध भी पिला दिया है। अब हम उनको स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने के लिए जो मैं जिस बर्तन में लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी उसमें मैं सातिया बना लूंगी और फिर उस पर मैं लड्डू गोपाल जी को बिठाकर उनका स्नान कराऊंगी। तो देखिए, हमारा जो ये थाली है, हमारा बर्तन तैयार हो चुका है स्नान के लिए, और अब हमारे लड्डू गोपाल जी को हमने इस पर विराजमान कर दिया है और अब हम उनका स्नान कराएंगे। तो स्नान जो है मैं ज़्यादातर चंदन या शहद से ही कराती हूँ, क्योंकि उससे हमारे लड्डू गोपाल जी में निखार आता है। तो कई एक बार मुझसे ये भी बोला था किसी मेरे सब्सक्राइबर ने कि आप लड्डू गोपाल जी को जो है पंचामृत से क्यों नहीं नहलाती हो, पंचामृत से नहलाना। तो पंचामृत से नहलाना बहुत अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप डेली ही पंचामृत से नहलाएँ। अगर आप पंचामृत से डेली नहला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ज़रूरी नहीं है कि आप डेली पंचामृत से नहलाएं। आप दो दिन में, चार दिन में, या जितने दिन भी बाद आपका मन करे आप उतने दिन में पंचामृत से नहला सकते हैं, नहीं तो आप चंदन शहद इन चीज़ों से भी जो है नहला सकते हैं। कई लोगों के पास बहुत समय होता है तो वो लड्डू गोपाल जी का जो है प्रॉपर ध्यान रखें, प्रॉपर सेवा करें, बहुत अच्छी बात होती है उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना। लेकिन कई लोग जो होते हैं ऑफिस जाते हैं और उनके पास इतना समय नहीं होता है, तो वो डेली पंचामृत से स्नान नहीं करा पाते, इतना समय नहीं होता उनके पास, तो वो नॉर्मल जो है शुद्ध जल से भी उनका स्नान करा सकते हैं। किसी फेस्टिवल पे, जन्माष्टमी पे, या कोई भी त्यौहार आता है तो उस पर आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का जो है चंदन पूरे शरीर पर चंदन से लेपन करके अच्छे से मसल कर चंदन से मैं अब उनका शुद्ध जल से स्नान करा रही हूँ। तो अब मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को उनकी टॉवल से पोंछ लिया है और अब मैं उनको उनके वस्त्र पहनाऊंगी, उनकी लंगोटी पहनाऊंगी और उन्हें पोशाक पहनाऊंगी, फिर उनका सुंदर सा श्रृंगार कर दूंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने उनकी लंगोटी पहना दी है और आज मैं उनको लाल कलर की पोशाक पहनाऊंगी। तो ये पोशाक जो है बहुत ही हल्की सी है, गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी है, लड्डू गोपाल जी को भी इसमें गर्मी नहीं लगेगी, कॉटन की बहुत ही हल्की सी पोशाक है ये।
तो अब ये देखिए यहाँ पर हो चुका है मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार, और अब मैं उन्हें उनकी विग लगा दूंगी, उसके बाद उनका मैं मुकुट पहना दूंगी। तो ये जो उनकी मुकुट है, उनकी पगड़ी है, बहुत ही पुरानी है, लेकिन अभी भी मुझे बहुत ही सुंदर लगती है ये रंग बिरंगी सी पगड़ी उनकी, और हर ड्रेस पे ये मैच हो जाती है, तो बहुत ही अच्छी लगती है, मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। और ये देखिए मेरे कृष्णा तैयार होने के बाद कितने सुंदर, कितने प्यारे लग रहे हैं। और अब मैं उनको कर दूंगी उनके मंदिर में, उनके सिंहासन पर विराजमान। तो ये हमारा जो लड्डू गोपाल जी का छोटा सा मंदिर, हमने उनको उनके मंदिर में उनके सिंहासन पर विराजमान कर दिया है। और अब उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी की सुबह की पूजा अर्चना करेंगे, उनकी आरती करेंगे और उन्हें भोग लगाएंगे। तो और अब देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी को तैयार करने के बाद, उनको सिंहासन पर विराजमान करने के बाद, हमने उनको उनकी मुरली भी दे दी है। और अब आरती से पहले हम सबसे पहले जो है आरती की थाली तैयार कर लेंगे। आरती की थाली तैयार करने के लिए हम सबसे पहले उस पर स्वास्तिक बना लेंगे। आपके पास अगर पुष्प हो तो आप अपनी थाली को, आरती की थाली को स्वास्तिक से और पुष्प से सजा सकते हैं, लड्डू गोपाल जी को पुष्प अर्पित कर सकते हैं। अगर पुष्प नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप अपनी आरती की थाली पर स्वास्तिक बनाकर फिर आरती कर सकते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी आरती की थाली में स्वास्तिक बना लेंगे। और अब देखिए मैंने जो है मेरी आरती की थाली तैयार हो चुकी है, और अब हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे हमारे लड्डू गोपाल जी की आरती के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम दीप धूप ये सब जलाकर हमारे भगवान जी को, सभी भगवान जी को हम धूप दीप दिखा देंगे। और अब हो रही है मेरे लड्डू गोपाल जी की आरती। तो आज जो है मेरे लड्डू गोपाल जी की आरती में मैं और मेरा बेटा, हम दोनों मिलकर कर रहे हैं आरती। और मैं अपने बेटे को सुबह जल्दी ही उठा देती हूँ, स्नान करा देती हूँ अपने साथ ही, और फिर मेरा बेटा भी रोज़ डेली मेरे साथ ही पूजा करता है। तो देखिए मेरा बेटा घंटी बजा रहा है और मैं आरती कर रही हूँ। तो जैसे ही बच्चों की आदत डाली जाती है शुरू से, वैसे ही आदत पड़ जाती है, तो बच्चों को शुरू से ही बचपन से ही अच्छी आदत डालें। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी की आरती हो रही है सुबह की, और आरती के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आरती भी हो चुकी है, और अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूंगी। तो भोग जो है सुबह सुबह मैं पूजा करने के बाद ही नाश्ता पानी बनाती हूँ। तो अभी मैं जो है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूंगी, और 10-15 मिनट में मैं जो है नाश्ता तैयार कर लूँगी। नाश्ते में मैं पराठे बनाऊँगी या फिर सैंडविच बनाऊँगी, तो उसका मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूँगी। फिर दोपहर में जब मैं प्रॉपर खाना बनाऊँगी तो फिर उसका भोग लगाऊँगी हमारे लड्डू गोपाल जी को। तो यही था आज का वीडियो, जिसमें कि मैंने आप सभी के सवालों का जवाब दिया। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।